आज हम एक मैक्सिकन डिश बनाएंगे ग्वाकामोले। तो चलिए हम बनाते हैं ग्वाकामोले। ग्वाकामोले बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक अवोकाडो लिया है और साथ में प्याज और टमाटर बारीक काट के एक एक टेबलस्पून लिए है, दो चुटकी भर ब्लैक पेपर, दो चुटकी भर नमक, एक टीस्पून नींबू का रस और साथ में हरा धनिया लिया है और ग्वाकामोले के साथ खाने के लिए डोरिटोस चिप्स लिए है। सबसे पहले हम अवोकाडो के दो टुकड़ों में काट लेंगे, उसका पल्प निकालेंगे, अवोकाडो पल्प में हम लेमन जूस डालेंगे और इसे पूरा स्मैश करके लेंगे। मैश किए हुए अवोकाडो में नमक डालेंगे, काली मिरी पाउडर डालेंगे, साथ में प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे और हरा धनिया डालेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ग्वाकामोले बन के तैयार है, इसे हम सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। ग्वाकामोले आप जब भी खाने को बैठेंगे तभी आप ये बना सकते हैं। अगर हमने पहले से इसको बना के रखा तो उसका कलर चेंज हो जाता है, फ्रेश कलर नहीं दिखता, इसलिए जब भी आप खाने को बैठे तभी ग्वाकामोले बना के तुरंत खा लीजिए। ये एक मैक्सिकन डिश है, आप इसे जरूर बना के देखिए। ग्वाकामोले हमारा बन के तैयार है, इसे हम डोरिटो चिप या नाचोस चिप्स के साथ खा सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।